हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय अकर्षक एकेडमी। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के लेक्चर नंबर 24 में हैं। हमारा यूनिट 4 चल रहा है, जिसका फर्स्ट पोर्शन हमने अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स था उसे ख़त्म किया, और इसके बाद जो उसका सेकेंड पार्ट था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं दो बातें यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली एक ईजी टॉपिक है, बट इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, और जो भी है थ्योरी वो हम देखेंगे ज़रूर, बट आपको मेनली न्यूमेरिकल पे सॉल्व करने पे ध्यान देना। उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए भी ये बात वैलिड है कि आपको जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करने पे ध्यान ज़्यादा देना है, जो फॉर्मूले हैं उसे आपको ध्यान देना है। डेरिवेशन आपको शायद ही पूछा जाता है, प्रूफ आपको शायद ही पूछा जाता है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आइए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, कुछ कुछ नई चीजें हैं यहाँ पे, हम लोग इसको समझेंगे। वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर हमने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े थे वो सारे रियल नंबर के अंतर्गत आते थे, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, या फिर इंटीजर, फ्रैक्शन, ये सब हमने रियल नंबर में पढ़े थे, ठीक है। रियल नंबर में और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डिफरेंस है? रियल नंबर में हमारे पास कुछ इस तरह के टर्म होते थे, 3, 5, -4 या 4/3 रैशनल नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारे पास ये है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो रियल नंबर है और एक इसमें एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुआ है आयोटा, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं, ठीक है, आयोटा। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम इसे स्क्वायर करते हैं तो ये -1 बनता है, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने का एक तरीका है। इस तरह हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं कि कोई सा भी दो नंबर लिया मान लीजिए, और इसे हम लोग जेड स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे 3, 5 उठाया, 3 + iota 5 लिख दिया, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है, जहाँ 3 और 5 दोनों रियल हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। इसमें 3 जो है हमारा वो कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं RE Z से। RE मतलब रियल, Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे 5 है तो वो हमारा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम लोग IMZ से भी डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई जनरल Z = x + iota y एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग रियल अगर पार्ट लिखेंगे रियल जेड तो वो एक्स होगा, और इमेजिनरी जेड होगा तो वो हमारा वाई होगा, ठीक है। ये सिंपल सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरह से इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। और इस वाले जो रियल और जो इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स मिला है, इसमें मान लीजिए अगर हम वाई को 0 पुट कर दें तो हमारा जेड क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एक्स। तो एक्स क्या है? रियल नंबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल, जहाँ की इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। अगर इसमें एक्स 0 हो तो Z = क्या बचेगा? आयोटा वाई, इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। बिल्कुल ही नया टॉपिक है आपके लिए, आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे शायद ये, इसलिए हम लोग एक एक छोटी छोटी चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। तो हम y को 0 पुट करके क्या मिल रहा है हमें? रियल नंबर। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि रियल नंबर क्या है? इसका
कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। मतलब कि अगर हम y को 0 पुट कर रहे हैं तो हमें रियल नंबर मिल रहा है, तो रियल नंबर क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। ये सिंबल किसका होता है, सबसेट का, इस तरह से। ठीक है, सेट में भी देखा था। ठीक है, अगर इक्वालिटी की बात करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होगा, दो रियल नंबर कब इक्वल होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड हमेशा मैग्नीट्यूड इक्वल हो और साइन भी इक्वल हो। जैसे 3 है तो 3 के इक्वल सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, माइनस 3 के इक्वल सिर्फ और सिर्फ माइनस 3 होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1 और z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b। तो अगर हम वे जो देखना वो है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा टॉपिक है। तो z1 और z2 अगर हम लोग इक्वल बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि a1 प्लस आयोटा b जो है a2 प्लस आयोटा b2 के इक्वल है। तो ये तभी से पॉसिबल होता है जब a1 a2 के बराबर, रियल पार्ट बराबर रियल के हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो, बराबर हो। ठीक है, रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। इसी तरह अगर हम बोलेंगे कि z1 जीरो है, मतलब कि a1 प्लस आयोटा b1 अगर जीरो है तो इसका सिंपली मतलब क्या होना चाहिए, जीरो है तो इसको हम ऐड करके आयोटा जीरो लिख सकते हैं। अच्छा, आयोटा का आप इस साइड लिखें कि इस साइड कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से a1 जीरो और b1 जीरो होगा, तभी हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जीरो बोलेंगे जब उसका रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों जीरो होना चाहिए। ठीक है, और एक और बात है कि जैसे हम लोग रियल में क्या बोलते हैं कि 4 is greater than 3, तो यहाँ पे हमारा इस तरह का कोई एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी की बात नहीं करते। रियल नंबर में हम लोग क्या करते थे, इनइक्वालिटी की बात करते थे, यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी की बात नहीं करेंगे। जैसे ग्रेटर देन लेस देन इन सब का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इक्वालिटी की ही बात करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, एक नया टर्म है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या मतलब है, z1 अगर हमारा a1 प्लस आयोटा b1 है तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है। अच्छा, इसे हम डिनोट कैसे करते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पर हम लोग सिंपली एक बार लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ z1 है तो हमें z1 पे बार लगाना है, मतलब a1 प्लस आयोटा b1 के ऊपर बार लगाना है। तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं सिंपली a1 माइनस आयोटा b1। तो क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये प्लस सिंबल माइनस पे चला गया, तो मतलब z1 हमारा a1 प्लस आयोटा b1 है, तो z1 बार जो होगा a1 माइनस आयोटा बार, इसे बार बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर बार है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, तो वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए 3 + 4 आयोटा गिवन है हमारे पास जेड, तो हमें कंजुगेट निकालना होगा, तो 3 + आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 3 - 4 आयोटा। ठीक है,
इस तरह से हम लोग इसके कंजुगेट को लिखते हैं। अच्छा, कंजुगेट का यूज़ कहाँ होता है? हमने कई बार जो सर्ट्स वगैरह पढ़े या फिर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, रेशनलाइजेशन करते थे। तो यहाँ भी कोई नंबर हमें अगर जेड अगर गिवन होगा, मान लीजिए 3 + i, 2 - i, इस तरह की चीज़ें गिवन होगा, तो इसे हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइजेशन के लिए हमें इस कंजुगेट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ जो डिनोमिनेटर में हमारा 2 - i दिया है, इससे हम लोग ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंजुगेट पढ़ने का हमारा फ़ायदा है कि हम इसे रेशनलाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, a - b + a + b हो गया, तो ये बन गया a - b का फॉर्मूला। तो a² - b² ऊपर में एज इट इज क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 6 + 2i + 3i + i × i, मतलब i का स्क्वायर, तो नीचे क्या बन गया, 4 - i का स्क्वायर हमने क्या देखा था, -1, तो ये +1 बन गया। ये क्या बन गया, 6 + 5i i का स्क्वायर, फिर से -1, यानी ये बन गया 5 + 5i / 5, कैंसिल हो गया ये 5 5, तो इससे 5 कॉमन आ जाएगा, तो 1 + i 5 से कैंसिल होकर बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिनल था जेड इस फॉर्मेट में, उसे हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। संजोग से देखिए कि अच्छा, ये हमारा एग्जांपल मिल गया कि सिंपल हमें 1 + i मिल गया, ठीक है। इस तरह हम लोग कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस तरह से कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज भी हम देख लें, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए हमारे पास कंजुगेट है, एक नंबर है 2 + i, और हमारे पास इसका कंजुगेट 2 - i। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं, 2 + i × 2 - i, तो क्या बन गया, a + b × a - b। अभी हमने क्या था, i का स्क्वायर, 2 × 4, i का स्क्वायर -1 5। तो हम क्या देख रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, एक रियल नंबर बन जाता है। 5 क्या है, रियल नंबर। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज ए रियल नंबर, ठीक है। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग लिख रहे थे रियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को z = x + i, तो उसे हम लोग कार्टिसन फॉर्म ऑफ या कार्टिसन नोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं हम लोग। हमने x को z को x + i, लिखा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिसन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कार्टिसन फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कार्टिसन जो हमारा कार्टिसन प्लेन होता है, कार्टिसन प्लेन का मतलब क्या होता है, जो हमारा एक्स वाई एक्सिस के थ्रू जो प्लेन डिफाइंड होता है, इसे हम लोग कार्टिसन प्लेन बोलते हैं। तो कार्टिसन प्लेन पे हम लोग इसको, ये जो हमारा z = x + i है, उसे हम लोग शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा नेम चेंज होता है, ये रियल एक्सिस बन जाता है और वाई एक्सिस हमारा इमेजिनरी एक्सिस बन जाता है। बाकी हमारा एक्स वाई जो एक्सिस है बिल्कुल वैसा ही मैचिंग है। ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस। तो मान लीजिए एक्स कहीं यहाँ पे होगा और वाई कहीं यहाँ पे होगा, मान लीजिए। तो इसको हम लोग जहाँ पे मैच कराएंगे, ये वाला पॉइंट x, y,
तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा कि ये जेड जो है हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने जो हमारा इमेजिनरी नंबर था उसे पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया। मान लीजिए हमारे पास जेड वन रहता ए प्लस आयोटा बी, या फिर टू माइनस थ्री आयोटा, इस तरह का हमारा नंबर रहता तो हमें पता है टू रियल एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे किधर होगा, इस साइड कहीं होगा, और माइनस थ्री वाई एक्सिस पे इधर कहीं होगा, मतलब टू इधर कहीं मान लेते हैं, माइनस थ्री अगर इस एक्सिस पे यहाँ कहीं होगा तो यहाँ पे मिलाएंगे तो ये जो मान लीजिए हमें पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट, इसको हम लिखेंगे टू कॉमा माइनस थ्री। और अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है तो इसका इसका ऑब्वियस मतलब होगा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो टू प्लस माइनस थ्री आयोटा टाइप का होगा, तो टू माइनस थ्री आयोटा जो कि हमें यहाँ पे शो किया था। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे साइन कन्वेंशन रियल प्लेन पे थे वही कॉम्प्लेक्स प्लेन पे भी होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग आयोटा जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर हम लोग आयोटा को लेते हैं, ऊपर पे प्लस आयोटा नीचे माइनस आयोटा, जैसे ये आयोटा कहलाएगा, ये टू आयोटा, ये थ्री आयोटा, उसी तरह ये माइनस आयोटा, माइनस टू आयोटा, माइनस थ्री आयोटा, ये वन टू जैसे रियल नंबर होता है माइनस वन और माइनस टू, इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन को दिखाते हैं जैसे हम लोग रियल प्लेन को दिखाते हैं। अभी हमने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा, इसी तरह से हम लोग दो तीन इसके वेरिएशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने का, पोलर फॉर्म में कैसे शो करते हैं और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। दूसरा हमारा क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में हमने क्या देखा था, फ्रेश हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, जैसे सिंपली हम लोग मार्क करते थे उसी तरह यहाँ भी करेंगे, ठीक है। माइनस आयोटा, माइनस टू आयोटा, माइनस थ्री आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा टू आयोटा थ्री आयोटा, इस तरह का जो प्लेन है इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है पी, उसको हम लोग ओरिजिन से मैच करा रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन है, और इससे हम यहाँ पे कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर का इसको हम लोग एक्स बोल रहे हैं, और जो हाइट है इसकी दूरी को हम लोग वाई बोल रहे हैं, और इस एंगल को हम लोग थीटा बोल रहे हैं। तो जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन थीटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और इसे हम लोग आर नाम देते हैं इस डिस्टेंस को, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर अपॉन सॉरी y अपॉन r, और cos थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम इस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं तो क्या होता है, वन, तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो ये क्या बन गया, एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू वन। आप चाहते तो यहाँ से भी पाइथागोरस थ्योरम से भी ये चीज़ डिराइव कर सकते थे, एक्स और वाई में रिलेशन और आर में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी एक्स और वाई को आर के ये थीटा के टर्म में लिखेंगे। पोलर फॉर्म का क्या मतलब होता है कि ये जो थीटा है और ये जो आर है, आर थीटा के टर्म में हमें लिखना होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो वाई क्या होगा, आर कॉस थीटा, और एक्स क्या होगा, आर साइन थीटा। तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स की वैल्यू आर साइन थीटा रखेंगे और वाई की वैल्यू आर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा और बचेगा अंदर में क्या, साइन थीटा
आर का कॉस थीटा, आर बाहर है तो आयोटा कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग जेड को क्या कर रहे हैं, पोलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं। सॉरी, आर को क्या लिखा हमने, वाई आर साइन थीटा है, उल्टा लिखा हमने यहाँ पे, वाई आर साइन थीटा एक्स आर कॉस थीटा। ठीक है, तो एक्स क्या है, आर कॉस थीटा, और वाई क्या है, आर साइन थीटा। तो ये हमारा बन गया आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारा पोलर फॉर्मेशन में या पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। ये हमारा जेड होगा, ठीक है, पोलर फॉर्मेट में। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया, और ये हमारा जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पोलर फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे पोलर और कार्टेशियन फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। यहाँ पे थीटा क्या होगा, जीरो से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं, जीरो से टू पाई में एक चक्कर हो जाएगा। तो ये जो आर जो है वो एक बार में थीटा की वैल्यू को अगर हम लोग जीरो से टू पाई ले ले तो हमारा जहाँ जहाँ ये पी पॉइंट होगा सबको कवर कर लेगा, थीटा हमारा मूव कर रहा है तो। ठीक है, आर तो हमारा वेरिएबल ऑलरेडी है, लेंथ जितनी लेंगे, और थीटा हम लोग मूव कराएंगे तो जितनी भी ये आर लेंथ की रेडियस की आर्क होगी या लाइन होगी या रे होगा वो सारा कवर हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में। इसीलिए हम लोग थीटा को जीरो से टू पाई लेते हैं, आर तो ऑलरेडी वेरिएबल है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग टेन थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई बाय एक्स, तो हमें ये थीटा जो है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स मिल जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स से रियल कॉम्प्लेक्स को कार्टेशियन से पोलर और पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करने में मदद मिलेगी। अभी हम देखेंगे, तो हमारा जेड बन गया है आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, और हमने क्या निकाला था, आर का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से या फिर ट्रिगोनोमेट्री से ये निकाला था, और तीसरा हमें मिल गया टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ये तीन चीज़ें हमें कन्वर्जन यहाँ पे पता होनी चाहिए, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर एक नई क्वांटिटी देखेंगे मॉड जेड, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड का सिंपल सा मीनिंग होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी है, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो अगर ऊपर देखेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, आर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, और अदरवाइज फिगर से भी देख सकते हैं। ठीक है, और थीटा जो हमारा होता है, यहाँ से जो थीटा निकला टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड या फिर मॉड जेड, शॉर्टकट में मॉड जेड बोलते हैं। अब हम लोग रूल्स देखेंगे कि कैसे रूल्स टू कन्वर्ट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हमारा क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है इनटू पोलर फॉर्म। ये हम कैसे देखेंगे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आर तो ये हमारा क्या है, हमेशा क्या होगा, देख सकते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि आर क्या है, एक लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, उसके कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग टेन अल्फा जो है मॉड टेन थीटा के बराबर है, ये जो टेन थीटा है
ये थीटा का वैल्यू एक्चुअली हमें पता करना कि ये थीटा इसमें है, एक्यूट एंगल है, या फिर और इस वाले सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बाय कन्वेंशन ऐसा है कि जो हम लोग यहाँ पे थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो लिखेंगे, वो हम लोग एक्यूट एंगल वाले के केस में लिखेंगे नियरेस्ट टू एक्स एक्सिस, जो भी वैल्यू होगी उसे हम लोग यहाँ पुट करते हैं। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ उसका मतलब समझेंगे कि ये अल्फ़ा जो हम लोग होगा, ये अल्फ़ा जो होगा वो जीरो से पाई बाई टू में होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा, लेकिन वो इस वाले एक्सिस के ऊपर हो सकता है, या इस वाले एक्सिस के नीचे, या फिर इस एक्सिस के ऊपर और इस एक्सिस के नीचे। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री यहाँ, 135 डिग्री यहाँ होगा, तो इस एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर है। उसी तरह हम लोग देखेंगे तो 225 यहाँ पे आएगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे थीटा लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए वन, और वो कैसे डिपेंड करेगा, दोनों जो अगर पॉजिटिव है, अगर इसमें ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स और वाई, अगर ये दोनों पॉजिटिव होगा तो थीटा हमारा क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल होगा। और अगर मान लीजिए एक्स लेस देन जीरो है, वाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, इस वाले क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा एक्स, वाई पॉजिटिव, यानी यहाँ कहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 135 जिसे हमने एग्जांपल लिया था। तो इस केस में हम लोग जो थीटा लेंगे वो पाई माइनस अल्फा लेंगे, मतलब इससे पाई मतलब 180 डिग्री, अगर 135 डिग्री है हमारा तो थीटा, तो हम लोग लेंगे 180 माइनस 45, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135 आ जाएगा, तो अल्फा हमारा क्या होगा 45 डिग्री। थर्ड हमारा होगा कि एक्स लेस देन जीरो, वाई भी लेस देन जीरो, तो इसमें एक्स लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, तो थीटा हमारा होगा पाई प्लस अल्फा, ठीक है। और फोर्थ केस में होगा कि एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई लेस देन जीरो, तो इसमें आ जाएंगे एक्स इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इस केस में जो हम लोग थीटा लेते हैं वो 2 पाई माइनस अल्फा लेते हैं, ठीक है। ये सब नियम्स हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए पोलर टू कार्टेशियन। कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो क्लियर होगा। और मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जेड हमारा गिवन है 1 प्लस आयोटा, इसे हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। तो 1 प्लस आयोटा को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पे आएगा, या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, इधर आएगा हमारा रियल और इधर आएगा हमारा इमेजिनरी। 1 यहाँ कहीं होगा, प्लस आयोटा मतलब प्लस 1 आयोटा, तो यहाँ कहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे आ गया हमारा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड 1,1, इससे हम लोग मैच करा दे रहे हैं, ये थीटा है। तो हमने क्या देखा था, ये इस फॉर्मेट में होता आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर हमें थीटा मालूम हो जाए और आर मालूम हो जाए तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आर हमारा क्या होता था, ये होता था पाइथागोरस से, हम लोग ये तो 1 है, ये भी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2, आर हमें पता चल गया। थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, टेन थीटा हमने क्या देखा था, वाई अपॉन एक्स मतलब 1/1 बराबर 1, तो थीटा यहाँ से क्या आ गया 45 डिग्री, ठीक है, सिंपल कन्वर्जन है। तो अब हमारा जेड क्या आ जाएगा, आर क्या है, रूट 2 कॉस थीटा कॉस 45 हो जाएगा, 1/√2 प्लस आयोटा साइन 45 क्या होगा, वो भी 1/√2, सॉरी थीटा क्या 45 है,
उसके वैल्यू नहीं लिख रहे हम, एंगल लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जेड वन प्लस आयोटा जो कार्टिसन कोऑर्डिनेट में था वो रूट टू कॉस 45 प्लस आयोटा साइन 45 आ गया। अगर मान लीजिए ये माइनस वन इस तरह का जेड होता है, यहाँ पे एग्जांपल लिख रहे हैं दूसरा माइनस वन माइनस आयोटा, तो हमें पता है कहाँ होगा माइनस वन माइनस आयोटा, इस क्वाड्रेंट में होगा कहीं, यहाँ कहीं होगा। अगर इसका नाम आर वन दें और ये हमारा यहाँ माइनस वन है और ये माइनस वन, तो ये एंगल अगर अल्फ़ा नाम दें तो ये हम लोग लिख सकते हैं आर वन कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। तो हमें अल्फ़ा और आर वन की वैल्यू चाहिए होगी, तो आर वन हमें पता है क्या है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये अभी भी रूट टू ही होगा। और टेन अल्फ़ा हमें निकालना होगा, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब माइनस वन अपॉन माइनस वन, फिर से हमारा क्या आ गया वन आ गया, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन किसके बराबर होता है, वन वन हंड्रेड एट्टी प्लस 45। यही मैं बात कर रहा था जब वहाँ पे हम लोग थीटा और अल्फा में जो रिलेशन लिख रहे थे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अगर ये एंगल हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या होगा, 180 प्लस 45, ठीक है। तो आपको पता है ये फिर वापस से क्या बन जाएगा, 10 45, क्योंकि एक्स एक्सिस से रिलेटेड है तो 10 का 10 रह जाता है, और यहाँ पे 10 पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसलिए यहाँ भी प्लस साइन है। तो इसका अगेन हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 1, यानी अल्फ़ा यहाँ भी आ गया 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, लेकिन यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये हमारा क्या बन गया, अल्फ़ा 225, ठीक है। तो हमारा जेड क्या बन के आ गया, रूट टू कॉस 225 डिग्री प्लस आयोटा साइन 225, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो हमारा रूट टू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है मैग्नीट्यूड, लेकिन ये वन प्लस आयोटा दोनों पॉजिटिव था यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता, ठीक है। तो रूट टू तो हम लोग मैग्नीट्यूड से हम आ गया, लेकिन कॉस और साइन के अंदर में वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। हमें क्या पता है कॉस और साइन दोनों ही इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पे क्या अगर इसे वैल्यू लिखेंगे तो माइनस के टर्म में आएगा वैल्यू, जो कि वापस हमें ये वाला वैल्यू दे देगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका कन्वर्जन लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, थर्ड हमारा जो होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो कि पोलर फॉर्म से ही रिलेटेड है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं, जेड इक्वल्स टू अगर हमारे पास x प्लस आयोटा वाइस, चलिए कार्टिसन से लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो इसे हम लोग लिखते हैं r इंटू e की पावर आयोटा थीटा। क्या हो रहा है हमें, x प्लस आयोटा वाई गिवन है, r इसको हम लोग पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, और जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसी से रिलेटेड है, ये r से हमें, और इस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग e की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। इसका डेरिवेशन हमें ज़रूरत नहीं है, बट इसके लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर, वन माइनस ई की पावर x का जो है एक्सपेंशन बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। और साइन x का जो एक्सपेंशन होता है वो है x माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, मतलब है कि अल्टरनेट ऑड वाले पॉजिटिव ऑड वाले पावर आते हैं इसमें, और साइन प्लस माइनस के साथ अल्टरनेट होता है। एक कॉस एक्स का भी सिमिलर होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस
एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट तक ये सब। यहाँ भी साइन ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस, और पावर क्या है, एक्स का पावर यहाँ ऑड था, यहाँ एक्स का पावर इवन है। वन मतलब क्या होता है, एक्स का पावर जीरो, और एक्स पावर टू, एक्स पावर फोर, इस तरह से हमारा कॉस थीटा होता है। अगर हमें ये वाला इसको इक्वल दिखाना होगा तो ये जो एक्स है इसमें एक्स को हम लोग आयोटा थीटा से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जो ही आयोटा थीटा से रिप्लेस करेंगे एक्स की सब जगह वैल्यू, तो हमारा इस पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आयोटा थीटा का पावर आते जाएगा। आयोटा का स्क्वायर हमें माइनस वन पता है, उसे सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को क्लब करेंगे तो हमें ये मिल के आ जाएगा कि कॉस थीटा जो होगा ये इस एक्सपेंशन के बराबर होगा, सॉरी इस एक्सपेंशन, और ये साइन थीटा इस एक्सपेंशन के बराबर होगा। और फिर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, तो ई की पावर एक्स को सीरीज बन जाता है, ठीक है। एक्सपेंस डेरिवेशन का हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देना कि हमें क्या करना, फाइंड द, अच्छा जो हमने अभी किया था उसका उल्टा पहले करते हैं, जो पोलर फॉर्म में किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। अभी हमने कार्टेशियन से पोलर में पढ़ा था, अभी हम जो गिवन है उसे कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, और गिवन ये है जेड इक्वल्स टू ई की पावर आयोटा पाई बाई फोर, ये वाला फॉर्मेट गिवन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं आर कुछ नहीं है तो मतलब वन है, इसको हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ थीटा है तो वो कॉस के अंदर और फिर साइन के अंदर, तो वन इंटू कॉस थीटा का मतलब पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म, और अगर हम इसकी वैल्यू रख दें कॉस पाई बाई फोर क्या होता है वन बाई रूट, और साइन पाई बाई फोर भी वन बाई रूट, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तीन फॉर्मेट का हम लोग इंटर कन्वर्जन देख लिए। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास होता है कि e की पावर माइनस आई, तो इसे हम लोग कॉस माइनस वन, सॉरी e की पावर माइनस वन, तो कॉस माइनस वन आयोटा साइन माइनस वन लिख सकते थे, और कॉस ऑफ माइनस वन की वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेटर से पता है तो ठीक है, नहीं तो कॉस वन की वैल्यू कॉस वन लिखेंगे प्लस आयोटा साइन वन, माइनस साइन है तो इसमें साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस वन हो जाता है। उसी तरह से मान लीजिए हम एक और लिखते हैं ई की पावर आयोटा पाई, ये भी आयोटा था, ठीक है। आयोटा मतलब क्या हो गया माइनस वन इंटू आयोटा, इसीलिए हम लोग ये आयोटा, यहाँ पे आयोटा लिखना जरूरी है, ये आयोटा देख रहे हैं। ई की पावर आयोटा पाई क्या होगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और कॉस पाई हमें क्या पता है माइनस वन, प्लस आयोटा साइन पाई क्या पता है जीरो, यानी ये बन गया माइनस वन। तो ये हमारा क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये हमारा पोलर फॉर्म है, और ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। सिमिलर एक और एग्जाम्पल था कि जेड इक्वल्स टू थ्री ई की पावर आयोटा पाई बाई थ्री को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो पोलर फॉर्म में थ्री क्या मैग्नीट्यूड है कॉस ऑफ पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री, तो ये क्या बन जाएगा कॉस पाई बाई थ्री क्या होता है कॉस सिक्सटी,
और cos 60 का वैल्यू हमें क्या पता, हाफ प्लस आयोटा साइन 60 मतलब रूट 3 बाई 2। तो अगर हम 3 को अंदर ले जाए 3 बाई 2 प्लस 3 रूट 3 बाई 2, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये हमारा कार्टिसन फॉर्म बनना, ये पोलर फॉर्म था और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। इंटर कन्वर्जन हमें जानना है। टू थाउजेंड सेवेंटीन में आपको एक क्वेश्चन गिवन था कि इफ ए प्लस आई बी का क्यूब रूट इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना था कि ए बाय एक्स प्लस बी बाय वाई इक्वल्स टू फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन था कि ए प्लस आयोटा बी का क्यूब रूट जो है एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक का क्यूब रूट लिया तो दूसरे के बराबर है, तो हमें प्रूव करना था ए बाई एक्स प्लस बी वाई वाई इक्वल्स टू फोर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सिंपल, जिसे हम लोग रियल नंबर में करते थे, यहाँ पे भी सारे नियम रियल नंबर के वैलिड हैं, कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती है, बट यहाँ पे सिंपली जो इसे हम लोग रियल नंबर में करते थे वैसे करेंगे, मतलब कि दोनों साइड हम लोग क्यूब ले लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट तो हम कुछ नहीं कर सकते थे इसके फॉर्मूले में, बट ये फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री टाइम्स ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये हमें पता है, अभी हमने देखा था कि आयोटा स्क्वायर माइनस वन है, तो मान लीजिए आयोटा क्यूब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इसको लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर माइनस वन पता है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, उसी तरह आयोटा की पावर फोर लिखना होगा तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर दो बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, दोनों क्या होगा माइनस वन और माइनस वन के बराबर होगा मतलब प्लस वन आयोटा की पावर फोर। इसी तरह से हम लोग आयोटा की फाइव लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, पाँच पावर है तो मतलब ब्रेक कर दिया हमने, आयोटा स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, यानी ये बन गया प्लस आयोटा। तो देख रहे हैं आयोटा एक हुए, आयोटा को स्क्वायर किया तो माइनस वन, आयोटा को क्यूब किया तो माइनस आयोटा, आयोटा का पावर फोर किया तो वन, आयोटा का पावर फाइव किया तो फिर से आयोटा जो कि हमारा ओरिजिनल था। ठीक है, ये हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब आयोटा क्यूब वाई क्यूब होगा, आयोटा क्यूब क्या है माइनस आयोटा, तो ये बन गया माइनस आयोटा वाई क्यूब, और ये थ्री एक्स स्क्वायर वाई आयोटा एज इट इज रह जाएगा, और ये आयोटा का स्क्वायर माइनस वन बनेगा तो ये बन गया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। और हमने क्या पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि रियल नंबर कौन कौन है, ये है और ये है माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ लिखते हैं, यहाँ क्या माइनस वाई क्यू और यहाँ से प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई, सिंपली हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लिया। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, यानी ए इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लेंगे वाई तो क्या बनेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम अगर प्रूव करने के एल एच एस को देखेंगे तो क्या है ए बाय एक्स और बी बाय वाई, तो यहाँ ए है और एक्स है, तो हम यहाँ पे ए बाय एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, अच्छा एक्स तो कॉमन आ गया था यहाँ से, तो थ्री वाई स्क्वायर बचा, और यहाँ बी बाई वाई लिखेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। जो हमें क्वेश्चन में एल एच एस में गिवन है वो करते हैं, क्या गिवन है ए बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स, तो इन दोनों का यानी कि राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा तो 3x² + x क्या बन गया, 4x² माइनस 3 - 1 माइनस 4y² भी बन गया, और हम क्या देख रहे हैं 4 कॉमन लेने पर ये हमारा LHS से हमने स्टार्ट किया था और ये हमें RHS मिल गया। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट, हम लोग डायरेक्टली LHS से स्टार्ट नहीं किए थे, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर जैसे करते हैं उस टेक्निक से कंपेयर किया, उसको स्क्वायर करके उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाए, उसके बाद हम लोग उसका कंपेयर किए। ठीक है, तो देख रहे बेसिक्स का ही यूज है इसमें, हमें ज़्यादा कुछ याद भी रखने की ज़रूरत नहीं थी, और ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, थ्योरी बहुत ज़्यादा है इसमें क्योंकि नया टॉपिक है, किसी भी नए टॉपिक में थ्योरी हमें पता होनी चाहिए तभी हम लोग फॉर्मूला या फिर मैनिपुलेशन यूज कर सकते हैं। एक और छोटे से एग्जांपल करते हैं, ये 2016 में आपको पूछा गया था कि प्रूव दैट a^6 + a^4 + a^2 + 1 = 0 इफ a की वैल्यू गिवन थी हमें 1 + √2। ये सिंपली हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तो कुछ भी इस तरह से नहीं दिख रहा है, कुछ मैनिपुलेशन नहीं दिख रहा है, a का वैल्यू पता है, a² a^4 a^6 हमें निकालना पड़ेगा, तो अगर हम a² निकालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। सिंपली हमें स्क्वायर करना होगा, तो नीचे तो 2 बनेगा, ऊपर में क्या होगा a² + i² 2 × 1 × i, तो ये क्या बन गया 1 square 1 i² - 1, ये क्या बन गया +2i, ये क्या 1 - 1 0, तो बचा क्या 2i/2, यानी कि सिर्फ आयोटा। तो देखा आपने कितना इजी हो गया, a² हमारे पास आयोटा आ गया, हमें आयोटा का स्क्वायर सिर्फ वैल्यू पता होना चाहिए था कि -1 के बराबर होता है, जो हम यहाँ यूज किया। ठीक है, अब ये है तो हमारे पास a^4 का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने, तो फिर से ये आयोटा का स्क्वायर बन गया, मतलब -1। अब हमें आयोटा का पावर a की पावर 6 निकालना है, तो हमें a² की पावर 3 लिख सकता हूँ, a² का मतलब क्या है वो आयोटा, और क्यूब का मतलब इस पर क्यूब, आयोटा का क्यूब को हम लोग आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर तो हमें पता है -1, और ये इंटू आयोटा तो बन गया -i/2। अब सिंपली हम LHS में सारी वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा a^6 + a^4 + √2 + 1, a^6 - i, a^4 हमारा -1 है, और a² हमारा +i है, और यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी +1 गिवन है। ठीक है, तो ये i माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, मतलब =0। यही देखिए हमें RHS में प्रूव करना है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके इजी क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, थ्योरी आज हमने ज़्यादा पढ़ा, बट फर्स्ट लेक्चर में ही हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी किया है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट चीज़ें थ्योरी आज हमने नहीं की है, भले ही वो नए हो देखने में आपको थोड़ा सा डरावना लग सकता है, बट जो आप हम यहाँ पे कैलकुलेशन देख रहे थे वो क्या था, काफ़ी ईजी था, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी करें, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में।